नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा बेबी बूट लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए ये कितना खूबसूरत है। ये बेबी बूट 6 महीने से 7 भर के बेबी के पैर में आसानी से आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये बेबी बूट बनाते। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 37 फंदे 37 स्टिचेस डाल रखे हैं। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 14 लाइन कंप्लीट करेंगे। सिंगल रिब में बुनते हुए हम 14 लाइन का बॉर्डर बनाएंगे। तो 14 लाइन का बॉर्डर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 14 लाइन का बॉर्डर तैयार हो गया है। इसे हम ऐसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हम मैंने 14 लाइन का बॉर्डर तैयार कर लिया है। और अब पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का 1 करेंगे। हमने सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 किया और पहले जाली डाला, फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को 1 साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का 1, उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को 1 साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का 1 करेंगे। यानी पूरी लाइन में हम जाली डालेंगे। तो इस तरह हम ये डोरी डालने के लिए छेद बना ले रहे हैं और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो उल्टा बुनते हुए हमने 16वां लाइन कंप्लीट कर लिया। देखिए ये डोरी के लिए जाली बन के तैयार हो गया है। अब ये 17वां लाइन है और सामने से, तो हम 24 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 उल्टा बुनते हुए हम 24 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 24 फंदे उल्टे बुन लिए। अब दूसरी सिलाई पर हमारे ये 13 फंदे बचे हुए हैं, 2 4 6 8 10 12 और 1 13। तो इस साइड में 13 फंदे बचे हुए हैं। अब हमें इस साइड नहीं आना है बल्कि यहीं से घूम जाना है और पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और 10 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस साइड भी 13 फंदे रह गए हैं, 2 4 6 8 10 12 और 1 13। और अब हम इधर न जाकर यहीं से टर्न कर लेंगे। अब हमारे दोनों साइड में 13 13 फंदे रह गए हैं और ये बीच में 11 फंदे हैं और हमें इन्हीं 11 फंदों को बुनना है। तो ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और ये पहला फंदा हो गया और 10 फंदे हम और उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए यहाँ हमने इतने फंदों को छोड़ दिया था। अब वापस हम टर्न कर लेंगे, पहले फंदे में नीट वाइज सिलाई डालेंगे और उनको अपनी ओर करेंगे और 10 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब हम सिर्फ बीच के 11 फंदों को ही बुन रहे हैं। पहले फंदे में नीट व सिलाई डाल के उन अपनी ओर करेंगे और 10 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा देखिए 5वां लाइन है और ये तीसरी उल्टे फंदों की तीसरी धारी बन रही है। तो हम 8 धारी बना लेंगे, सामने से भी और रॉन्ग साइड से। यानी हम 16 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो 16 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, ये सात धारियां हो गई हैं, यानी एक लाइन हमें एक धारी और बनाना है, यानी दो लाइन और हमें बुनना है। और पहले फंदे को स्लिप करके और ऊन को अपनी ओर करके जब हम बुन रहे हैं तो देखिए एज कितना क्लीन आ रहा है। दोनों साइड से देखिए एज कितना क्लीन आया है। तो ऊन अपनी ओर करके और हम 10 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा 15वां लाइन हो गया और ये नीट वाइज डाला, ऊन अपनी ओर किया और ये हो गया हमारा 16वां लाइन। दोनों तरफ से देखिए 8-8 धारियां बन गई, 2, 4, 6, 8, और इस साइड से 2, 4, 6 और 8, और ये जो है लाइन, ये हमारा इस जब हमने ये जाली बनाया है उसका ये लाइन है। तो हमारा ये 16 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम धागे को यहीं से काट लेंगे और अब हम अपने थ्रेड को यहाँ पे लगाएंगे। ये हमने एक फंदा उठा लिया, अब हमें साइड से ये एक फंदा हो गया, 7 फंदे और उठाने हैं। इसी तरह प्रत्येक एज में हम सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे देखिए उठा लेंगे, बहुत आसानी से उठ जाता है। और इसे ऐसे हम लपेटते जाएंगे तो गांठ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमने 7 फंदे उठा लिए, 2, 4, 6 और 7, और ये हो गया हमारा 8वां फंदा। तो हमने साइड से 8 फंदे उठा लिए। अब उनको अब हमने जो ये धागा छोड़ा हुआ था यहाँ पे, इसे हम गांठ लगा लें ताकि ये खुले ना। और फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे और इन 11 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये हमने 11 फंदों को उल्टा बुन लिया। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और हमें इस साइड से भी 8 फंदे उठाने होंगे। तो हम या तो इसी सिलाई से उठा दें या फिर हम तीसरी सिलाई से भी उठा सकते हैं, इस सिलाई से भी आसानी से उठ जाएगा। तो हर एज में हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हमने 8 फंदे दूसरी साइड से भी उठा लिए और अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और ये जो हमने 13 फंदे छोड़े थे इसे हम उल्टा बुन लेंगे। और अब हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस समय हमारी सिलाई पे 53 धारियां, 13 फंदे इस साइड में, 13 फंदे इस साइड में, 8 फंदे हमने इधर से उठाए थे, 8 फंदे इधर से उठाए थे और बीच में 11 फंदे, तो कुल हो गए 53 फंदे। अब इन 53 फंदों को हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते आएंगे और 18 लाइन बुनेंगे, जिससे 9 उल्टे फंदों की धारी सामने से आ जाएगी और 9 उल्टे फंदों की धारी पीछे से आ जाएगी। तो इतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड में 9-9 धारियां हो गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और दूसरी साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हमने 18 लाइन बुन लिया है।
दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने 18 लाइन कंप्लीट कर लिया है और अब ये 19वां लाइन है। हमारे पास टोटल फंदे हैं 53, तो हम पहले ऐसे नीट वाइज डालेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और 25 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 25 फंदे उल्टे बुनेंगे और ये एज स्टिच लेके टोटल 26 फंदे हो जाएंगे। तो हमारा इस साइड में 26 फंदे हो गए और इस साइड में 27 फंदे हैं, 27 स्टिच। अब हम इसको यूं ही फोल्ड कर लेंगे। अब हमें आगे नहीं बुनना है, अब हम इस शू को क्लोज करेंगे। तो इस साइड में हमारा 27 फंदा है, तो एक फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। एक फंदे को उल्टा बुन लिया, अब दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेंगे और दोनों को साथ लेते हुए उल्टा फंदा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ाएंगे। तो अब हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे, दो दो फंदों को एक साथ लेके बुनेंगे या फिर तीसरी सिलाई पे हम एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा दूसरी सिलाई से, एक फंदा पहली सिलाई से और एक फंदा दूसरी सिलाई से लेते जाएंगे, यानी तीसरी सिलाई पे हम दोनों सिलाइयों से फंदे उतार लेंगे। तो मैंने तीसरी सिलाई पे दोनों सिलाइयों के फंदे उतार लिए। अब पहले फंदे को स्लिप करेंगे और अब देखिए दो दो फंदों के जोड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दो दो फंदों को हम एक साथ लेते जाएंगे, उल्टा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को चढ़ा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे। दो दो फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो बाइंड ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। अब इस लूप से धागे को निकाल लेंगे। और धागा थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो हम सुई में धागा डालेंगे और सिलाई करना शुरू कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जूता बनके तैयार है। अब हमें इसमें डोरी डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जूता तैयार है। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।